सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विश्व ट्यूटोरियल। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। तो अगर इसमें हम लोग नीचे देखा जाए, क्लास 9th और उसके बाद हमारा क्लास 10th आता है, जो कि हमारा यहाँ। इसमें अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, कितना मार्किंग स्कीम है उसके बारे में, तो अगर हम लोग केमिकल्स और नेचुरल, इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड ऑफ लिविंग जो है, इससे भी हमारा 25 मार्क्स। नेचुरल फिनोमेना से हमारा 12 मार्क्स। इफेक्ट्स ऑफ करंट से 13 मार्क्स। नेचुरल सोर्स से 5 मार्क्स। टोटल होगा हमारा 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल से मिलेंगे प्रैक्टिकल्स असेसमेंट असेसमेंट पे। और ओवरऑल जोड़ के हमारे कितने हो गए, 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम डिस्कस कर लें क्या कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री स्टैंडर्ड बुक से चलते हैं अगर हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये सब हमारे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से पढ़ना है। वहीं अगर हम लोग आगे डिस्कस करें चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में, तो इसमें आपको एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इसके बारे में जानना है, इनका डेफिनेशन जानना है एच प्लस ओ एच के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ जनरल प्रॉपर्टीज एसिड का क्या है, बेस का क्या है, साल्ट का क्या है, उनका एग्जाम्पल, उनका यूज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट, ये सब जानना है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम लोग टूथब्रश जो यूज करते हैं, एसिडिटी जो होता है, ये सब के बारे में, फिर प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन, ये सब जानना है, ब्लीचिंग पाउडर का जानना है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का प्रिपरेशन यूजेज, ये सब हमको जानना है। वहीं पर चैप्टर 3 अगर मेटल एंड नॉन मेटल में बात कर ले जाए, तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में दोनों का, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, क्या उनका प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में, कोरोजन के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में। अगर चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स का बात किया जाए, तो इसमें कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे कार्बन में होता है उसके बारे में, वर्सेटाइल नेचर जो होता है कार्बन का उसके बारे में, यानी कि एलोट्रॉप्स, ये सब के बारे में जो टॉपिक है हमारा, होमोलोगस सीरीज जिसमें हमारा सारा जितने भी होमोलोगस, अल्केन का हो गया, अल्किन का हो गया, वो सब चीज, नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड का, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, हैलोजन्स, अल्कोहल, केटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन्स और अल्काइन्स। उसके बाद डिफरेंस पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कार्बन कंपाउंड का, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चीज। और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ना है, बाकी और भी इसका कुछ नहीं पढ़ना है। और फिर लास्ट में हमारा जो सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक है, इसको भी हमें पढ़ना है। अब अगर आगे डिस्कस किया जाए, तो अगर बायो से कुछ लिया जाए, तो लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, एक्सक्रेशन सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज इसमें हमको पढ़ना है। चैप्टर 2 हमारा एक्सटेंशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के बारे में, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, जैसे कि एनिमल हार्मोन्स कौन कौन से, इंसुलिन, ये सब बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर से रिप्रोडक्शन में अगर बात कर लें, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों पढ़ना है, और सेक्सुअल मेथड पढ़ना है, और सेक्सुअल मेथड पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड के बारे में, कौन कौन से मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए, सेफ सेक्स वर्सेज HIV एड्स के बारे में जानना है, चाइल्ड बियरिंग और वुमेन्स हेल्थ के बारे में डिस्कस करना है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, तो इसमें हमको हेरिडिटी के बारे में, मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक रिलेटेड है
evolution, evolution and classification. Evolution should not be equated with progress. और यानी कि heredity and evolution chapter से हमारा evolution से जो हमारा start है वो सब deleted है और सिर्फ हमको heredity पढ़ना है, Mendel's law, ये सब जो है law of segregation, law of inheritance, ये सब हमको पढ़ना है. अगर natural phenomena में बात कर लें तो chapter light हमारा जिसमें reflection of light, curved surface, image formed by spherical mirror, concave, convex दोनों, center of curvature क्या होता है, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula. इनका मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना है. मैग्निफिकेशन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस के बारे में ये भी पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन भी दोनों का कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला भी पढ़ना है यानी कि लेंस फॉर्मूला जो लेंस का फॉर्मूला है लेकिन उनका डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना है. मैग्निफिकेशन उसमें भी पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो पढ़ना है. और फिर अगर इसमें देखा जाए हमारा जो लास्ट चैप्टर था यानी कि जो ह्यूमन आई उसमें हमारा फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस कैसे ह्यूमन आई में काम करता है, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया क्या होता है, इनका करेक्शन कैसे होता है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है स्फेरिकल मिरर का और लेंसेज का. और आगे डिस्कस किया जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म यही पढ़ना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेलिले. लेकिन जो हमारा लास्ट में इस चंद बुक में जो सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये हमको नहीं पढ़ना है. वहीं अगर फिजिक्स में हम स्टार्टिंग में एंटर करें इफेक्टिव करंट यानी कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल क्या डिफरेंस है वो सब चीज भी, साथ ही साथ ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसको पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन कहाँ लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है, पी वी आई एंड आर का जो फॉर्मूला होता है पावर का जो वी के रिस्पेक्ट में आई के रिस्पेक्ट में उसको जानना है. वहीं पर अगर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बात कर लें तो इसमें हमको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है ये सब चीज जानते हुए मैग्नेटिक फील्ड जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ जानेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, ये सब के बारे में, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनोइड से कैसा बनता है, उस पर जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर उसको पढ़ना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, डायरेक्ट करंट डीसी के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट एसी के बारे में पढ़ना है, एसी का फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, हम लोग क्यों एसी ज्यादा यूज करते हैं डीसी नहीं यूज करते हैं, डीसी के ऊपर एसी का क्या एडवांटेज है इसको पढ़ना है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमारे घरों में जो वायरिंग सब होता है कैसे किया जाता है, फ्यूज कहाँ होता है, कितना एम्पियर का होता है, क्या हम लोग लाइव वायर, ये सब के बारे में हमको डिस्कस थोड़ा बहुत करना है. और वहीं पर अगर हम लोग आगे देखा जाए नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में तो यहाँ पे आपको आवर एनवायरमेंट जिसमें आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, सारा हमारा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सब के बारे में जानना है. ध्यान देना क्या है कि एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर 16 है वो हमारा एग्जाम में नहीं आएगा. चैप्टर 16 हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारा एग्जाम में फाइनल एग्जाम में एंड एग्जाम में नहीं आएगा. ये आपको बस पढ़ने के लिए है, हो सकता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट में इसको पढ़ाया जाए और इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा. यही था हमारा 10th का सिलेबस. मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.